नमस्कार, मैं हूँ रमन झा। आप देख रहे हैं वतन की आवाज़। आज के कुछ खास बातचीत में हमारे साथ हैं राजीव गोयल जी, जो रियल एस्टेट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। आज मुझे कुछ बात करते हैं कि जैसे लगातार लॉकडाउन के बाद और कोरोना महामारी के बाद, इससे पहले भी थोड़ी सी रियल एस्टेट में जो मंदी आ रही है, उसका कारण क्या है और उस पर क्या कैसे करके उससे हम बाहर निकल सकते हैं, कैसे ग्राहक को रियल एस्टेट की तरफ आकर्षित कर सकते हैं, उन पर बात करते हैं। हमारे सामने है राजीव गोयल जी। गोयल साहब, बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार जी। आप लोग बहुत ही लॉकडाउन में बहुत अच्छे काम किए आप लोगों ने, वो असली जो है ज़्यादा लोग ही हैं जो देखते रहते हैं। गोयल साहब, सबसे भी आज मैं आपसे बात करना है कि रियल एस्टेट के बारे में, कि बताया जा रहा है कि रियल एस्टेट में धीरे धीरे लोगों के आकर्षण कम होते हैं, जिसके कारण जी क्या कारण क्या है, कैसे आप जानते हैं? नोएडा वैसे तो पूरे विश्व में ही इस समय मंदी का माहौल है, पर लेकिन हमारा रियल इस्टेट के सेक्टर में मानना है कि जो नीतियां सरकार ने या प्राधिकरण ने बनाई है, उसमें कहीं ना कहीं लचीलापन होना चाहिए, जिससे कि ग्राहकों को उसका फ़ायदा मिल सके और वो अधिक से अधिक उनकी बाइंग क्षमता जो है बढ़े। बाइंग क्षमता अगर बढ़ती है तो प्रदेश सरकार के पास रेवेन्यू आता है, प्राधिकरण के पास रेवेन्यू आता है और वो रेवेन्यू यहाँ की जनहित योजनाओं में लगेगा, तो उसका बेनिफिट नेचुरली ज़मीन पर जाकर पहुँचेगा। इसमें हमारा प्राधिकरण से यही मांग है कि वो किसी भी तरीके से कोई ऐसी नीतियाँ बनाए कि बायर्स, चाहे वो फ्लैट का बायर हो, चाहे वो इंडस्ट्री का बायर हो, चाहे वो आपका रेजिडेंशियल का बायर हो, चाहे वो कॉमर्शियल का बायर हो, चाहे वो आईटी सेक्टर का हो, उसके लिए इस तरीके से योजनाएं बने कि वो उसको खरीदते हुए कोई भी परेशानी, चाहे सर्कल रेट के हिसाब से या फिर ट्रांसफर चार्जेस के हिसाब से, मतलब कहीं पर भी कोई भी परेशानी ना हो। रियल एस्टेट में देखा जाने के बहुत अविश्वास हो गया। अविश्वास के कारण क्या है कि बहुत सारे लोग निवेशक हैं, निवेश कर चुके हैं पहले, उनको काफ़ी लंबे समय से फ्लैट नहीं मिला, जो भी उनकी समस्या है वो एक तरफ तो फ्लैट की ईएमआई दे रहे हैं, दूसरी तरफ किराए दे रहे हैं, तो उनके लिए क्या आप उनके नज़र में क्या उपाय है जिससे निकल है? इसमें मैं प्राधिकरण से, क्योंकि ऑटोनोमस बॉडी है, मैं नोएडा रियल इस्टेट एसोसिएशन की तरफ से उनसे निवेदन करूँगा कि भाई जो भी फ्लैट्स के यहाँ पे बायर हैं, जिनको फ्लैट्स उन्होंने खरीदे हैं, किसी कारणवश उनकी रजिस्ट्री नहीं हो पाई है, तो उसको जल्द से जल्द उसको खोला जाए, जिससे कि उन लोगों का विश्वास बढ़े और वो अपना को सुरक्षित महसूस कर सकें इस शहर के अंदर, क्योंकि उन्होंने अपना सारी पूंजी उस फ्लैट को खरीदने में, अपने जीवन की सारी पूंजी उसके लिए लगा दी है। दूसरा, प्राधिकरण से मेरा एक ये निवेदन है कि नोएडा में जो भी सर्कल रेट्स हैं, चाहे वो किसी भी प्रॉपर्टी के मद में हो, वो काफ़ी अधिक हो चुके हैं, उसको वो कम करेंगे तो कहीं ना कहीं इसका बेनिफिट जनमानस को मिलेगा, प्लस उसकी संख्या बढ़ जाएगी, तो प्राधिकरण को और सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार को भी उसका रिवेन्यू का फायदा होगा। तो मैंने क्या ऑप्शन क्या दे सकते हैं उसको, कि अभी 1% की है ऐसे रजिस्ट्री हो, तो उसका दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है? हाँ, इसमें अभी हमने फिलहाल में जो हमारी जो मांग है या निवेदन हम उसको कह सकते हैं प्राधिकरण से, है कि एक तो ट्रांसफर चार्जेस को कम करे, प्लस सर्कल रेट को कम करे। दूसरा, अपने रजिस्ट्रार विभाग से भी हमारा निवेदन है कि जो उन्होंने स्टाम्प ड्यूटी प्रॉपर्टी के ऊपर लगाई हुई है 1% की, उसको पुराने रेट पर लाकर उसको सुरक्षित करें। लगभग वो मेरे ख्याल से पुराना रेट 20,000 रुपये के आसपास था, जिससे कि यहाँ के बायर्स और जो प्रॉपर्टी से जुड़े कारोबार हैं, कारोबारी हैं, उनको फायदा मिलेगा, उनका व्यापार बढ़ेगा, उनका विश्वास बढ़ेगा। अब दूसरी चीज़ ये है कि रजिस्ट्री की जहाँ बात करते हैं, रजिस्ट्री की आज तक जो नियम है कि जब तक प्राधिकरण की जो भी बकाया है वो पूरा होगा, उसके बाद प्राधिकरण देगा कंप्लीशन का, उसके बाद रजिस्ट्री हो पाएगा जी। क्या दूसरा कोई ऑप्शन है इसके अलावा भी जैसे कर लेते, क्योंकि जब ग्राहक जो है 50% पैसे दे दिया है जी, फिर वो कहाँ जाए? इसलिए नहीं, इसमें मेरा प्राधिकरण से, बिल्डर से और प्लस जिन लोगों ने अपना फ्लैट्स खरीदा हुआ है, वो अपनी कोई एसोसिएशन वगैरह मिलकर एक म्यूचुअली एक अंडरस्टैंडिंग इस तरीके से बना लें कि भाई तीनों लोगों का, तीनों विभागों का, बिल्डर्स को भी कोई नुकसान ना हो, प्राधिकरण का भी नुकसान ना हो और फ्लैट वालों को भी नुकसान ना हो,
तो फ्लैट वालों की रजिस्ट्री हो जाए जिससे कि उनको मालिकाना हक मिल जाए प्राप्त हो, प्लस प्राधिकरण कुछ इस तरीके से कोई रास्ता बिल्डर्स के साथ बैठकर अपनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कर ले कि वही कोई रास्ता बन जाता है। तो क्योंकि प्राधिकरण का मेन मोटिव या उत्तर प्रदेश सरकार का मेन मोटिव यही है कि जनता को किस तरीके से फायदा पहुंचाया जाए और किस तरीके से उनमें विश्वास जागृत किया जाए। तो मेन जो लक्ष्य है प्राधिकरण का और उत्तर प्रदेश सरकार का कि चाहे वो फ्लैट बायर्स है, चाहे वो इंडस्ट्री बायर्स है, कोई भी है रियल इस्टेट से जुड़ा हुआ, जिसने भी यहाँ पे शहर के अंदर जनपद गौतम बुद्ध नगर के अंदर कोई भी चीज प्रॉपर्टी खरीदी है तो उसका विश्वास कायम रहे, विश्वास कायम करने की कोशिश करना जी बिल्कुल एक ऑप्शन हो सकता है उसकी जी तो उसे विश्वास रियल इस्टेट बिल्कुल।